हरियाणा चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के अंदर भगदड़ सी मची हुई है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, तो वहीं पर विधायक और नेता काफी नाराज चल रहे हैं और कितने नेताओं ने तो नाराजगी के चलते पार्टी भी छोड़ दी है। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का भी रहा। हरियाणा में कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर हुड्डा गुट का दबदबा रहा और इसी के चलते कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट में तनातनी की खबरें भी जग जाहिर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज कांग्रेस में शामिल हो गए। भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयवान की मौजूदगी में खट्टर सरकार में मंत्री रहे कर्णदेव कांबोज ने कांग्रेस का दामन थामा। आपको बताएं कि कर्णदेव हरियाणा में ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता माने जाते हैं। कांबोज समाज में वो अच्छी पकड़ रखते हैं और इतना ही नहीं, कांबोज ने भारतीय जनता पार्टी पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि कर्णदेव कांबोज वही नेता हैं जिन्होंने हाल ही में सीएम नायब सैनी से हाथ नहीं मिलाया था। बताते चले कि कर्णदेव 2014 से 2019 तक खट्टर सरकार में मंत्री रहे और 2019 का चुनाव हार गए थे। हरियाणा के करनाल में इंद्री विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण से पूर्व विधायक कर्णदेव कांबोज नाराज चल रहे। कांबोज रादौल और इंद्री से टिकट चाह रहे थे और टिकट नहीं मिलने से उनकी नाराजगी भी निकलकर सामने आई, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई। माना ये भी जा रहा है कि इस चुनाव में जाट और नॉन जाट की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। कर्णदेव कांबोज खट्टर सरकार में मंत्री रहे हैं और बता दें कि विधानसभा चुनाव में टिकट की डिमांड कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने से कांबोज नाराज थे। हालांकि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने इसकी पहल की। सीएम खुद उन्हें मनाने भी गए और सीएम सैनी ने उनसे हाथ मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन कांबोज ने हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ लिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आपको बताएं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस बार हरियाणा का रण इतना आसान नहीं होने वाला, ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। सियासी पंडितों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी बागियों को निपटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों से कैसे निपटेगी। क्या कोई नया दांव खेला जाएगा या संगठन में कोई बड़ा फेरबदल किया जाने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।